एवरीवन, वेलकम बैक टू आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SRM जे ट्रिपल ई एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के बारे में। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। ओके, सो जो SRM जे ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होने वाला है वो दो फेजेस में कराया जा रहा है और ये रिमोट प्रॉक्टेड ऑनलाइन मोड के थ्रू कराया जाएगा। जो फेज़ वन है वो 23rd of May एंड 24th of May को शेड्यूल किया गया है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ेज़ वन के लिए वो है 19th of May 2021। रिमोट प्रॉक्टरिंग का मतलब ये हुआ कि आपका एग्ज़ाम आप अपने चॉइस ऑफ लोकेशन पर दे सकते हो और आपका इन्विजिलेशन जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल मीन्स के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें ये बताया गया कि आपको स्लॉट बुकिंग करनी रहेगी, वो 19th of May से 21st of May तक आप कर सकते हो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाके। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आपको प्रॉक्टर्स भी असाइन किए जाएंगे जो आपको मॉनिटर करेंगे आपके वेबकैम के थ्रू जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो। ठीक है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तो कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए और माइक्रोफोन होना चाहिए। अगर वेबकैम और माइक्रोफोन अगर नहीं है आपके पास तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। मेक श्योर करना कि आप कहीं से भी इसको अरेंज करो या फिर हायर करो या ख़रीद लो, कैसे भी अरेंज करना है आपको। ओके, इसमें यह भी बोला गया है कि आप इस एग्ज़ाम को अपने मोबाइल फ़ोन पे भी दे सकते हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे इस एग्ज़ाम को देते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डाउनलोड करनी रहेगी जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे 19th of May को अवेलेबल कराया जाएगा। अब ये बोला गया है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 512 KB/s या फिर मोस्ट प्रेफरेबल है 1 MB/s तक का तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम के दौरान इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपका एग्ज़ाम रुक जाता है या फिर इंटरप्ट हो जाता है तो आपको रीटेस्ट देने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ओके, रूम एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात बोली गई है कि सबसे पहली बात, आपके रूम में सिर्फ आप रहोगे, वहाँ पर कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर जहाँ पे आप रखोगे कंप्यूटर के पीछे वॉल होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड में। ओके, और इसमें बोला गया है कि जो डेस्क है डेस्क को एकदम से क्लियर रखना है, मतलब कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, पेपर बुक ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट, लैपटॉप ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब कि वेबकैम एटलीस्ट आपका फेस क्लियरली स्कैन कर पाए उतना तक का लाइटिंग आपके रूम में होना चाहिए। अगर रूम में कोई और पर्सन हो है और अगर आपका जो प्रॉक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है कि मतलब कोई और पर्सन भी है रूम में, तो आपका एग्ज़ाम इमीडिएटली स्टॉप भी कर दिया जा सकता है। तो ऐसा मत करना। आपको ड्रेस जो है अपना फॉर्मल रखना है। ओके, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो जिस फ़ोन से आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है अपने एग्ज़ाम की, उस फ़ोन को अपने पास रखना है, क्योंकि उसी फ़ोन पे आपका जो प्रॉक्टर है वो आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कॉल कर सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी अपने प्रॉक्टर को कॉल कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉक्टर असाइन किया गया है उसको आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। जो कैंडिडेट है उसको कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो है अपने उसमें कपड़ों में या फिर कहीं भी वेयर नहीं करना है। राइट, हेल्प नहीं लेनी है किसी की, बैकग्राउंड नॉइजेस वगैरह नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वापस से बताई गई हैं। मॉक टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा 20th of May को और 21st of May को। राइट, और ये जो एग्ज़ाम है मतलब मॉक टेस्ट है, इसको देने के लिए आपको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना रहेगा। ठीक है, जो ये एग्ज़ाम की लिंक है यानी कि मॉक टेस्ट की लिंक है वो 19th of May से लेके 21st of May तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपको मेन एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर से दो। ये देना
अच्छा भी रहेगा क्योंकि आप फैमिलियर हो जाओगे कि मेन एग्ज़ाम के डे पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, स्लॉट बुकिंग की बात पहले भी बोल दी गई थी कि ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाके आप कर सकते हो, हॉल टिकट भी डाउनलोड वहीं पे हो जाएगा और स्लॉट बुकिंग जो है वो 19th of May से 21st of May के बीच में होगी। कैंडिडेट को रिमोटली वॉच किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और जो इन्विजिलेटर उनको असाइन किए गए हैं उनके थ्रू, ठीक है। और ये बोला गया है कि आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो जो आपकी फ़ोटो है वो आपको लेनी रहेगी और फोटो मतलब आईडी प्रूफ है उसकी भी फ़ोटो आपको लेनी रहेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब एग्ज़ाम की गाइडलाइंस यही है कि मॉक टेस्ट आपको देना ही है, मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिया होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ओके, कैंडिडेट को जो कैंडिडेट हैव टू लॉग इन टू द टेस्ट यूजिंग या एडमिट कार्ड का जो डिटेल है उसी के थ्रू आपको लॉग इन करना रहेगा, ठीक है। और 150 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप 60 मिनट पहले वहाँ पे लॉग इन कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपको और भी चीज़ें वहाँ पे करनी रहेंगी, जैसे फ़ोटोग्राफ लेना है, राइट, आईडी प्रूफ की फ़ोटो वगैरह लेनी है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर आप पहले आ जाते हो तो। और बोला गया है कि 120 मिनट से पहले आपको एग्ज़ाम का जो पेपर है वो सबमिट करने को अलाउ नहीं किया जाएगा, 120 मिनट के बाद ही सबमिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। और ऐसा ही मॉक टेस्ट के दिन भी होगा, मॉक टेस्ट में भी आपको 120 मिनट से पहले सबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम देते वक्त स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर देते हो या फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हो तो फिर वो जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया है या फिर आंसर कर दिया है वो वापस से रिव्यू नहीं होने वाला है, मतलब वो वापस से आप कमबैक नहीं कर सकते हो आंसर्ड या फिर स्क्रिप्ट क्वेश्चन पे। तो मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से दे रहे हो क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो ज़रूर से एक बार आंसर तो ज़रूर से कर लेना। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि गाइडलाइंस हैं SRMJEE के एग्ज़ाम के लिए। सो ये सारे गाइडलाइंस थे SRMJEE एग्ज़ाम के लिए जो आपको फॉलो करने हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग।